चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत की खबर मिल रही है। कोरोना और फूड पॉइजनिंग इसका कारण बताया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि 2 से 3 दिन के अंदर तकरीबन 10 नक्सलियों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा छोटे और बड़े कैडर के नक्सली कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। दक्षिण बस्तर के जंगलों में कोरोना से हालात इस वक्त बेकाबू हैं और नक्सली भी इसकी चपेट में आ गए हैं। दंतेवाड़ा एसपी ने नक्सलियों की मौत का दावा किया है। 2 से 3 दिन के अंदर 10 नक्सलियों की मौत और कारण बताया जा रहा है फूड पॉइजनिंग और कोविड। वहीं 100 से ज्यादा छोटे और बड़े कैडर के ऐसे नक्सली हैं जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, दंतेवाड़ा से मिल रही है। दक्षिण बस्तर के जंगलों में कोरोना से हालात बेकाबू हैं, इसकी जद में अब नक्सली भी आ रहे हैं। 100 से ज्यादा छोटे और बड़े कैडर के नक्सली कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं 10 से ज्यादा ऐसे नक्सली हैं जिनकी मौत की खबर है। दंतेवाड़ा एसपी ने नक्सलियों की मौत का दावा किया है। तो कोरोना और फूड पॉइजनिंग से 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत की खबर मिल रही है। दंतेवाड़ा एसपी ने भी नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बस्तर के जंगलों में अब कोरोना यहां तक पहुंच चुका है। 100 से ज्यादा नक्सली कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। दंतेवाड़ा से ये खबर, दक्षिण बस्तर के जंगलों में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। 100 से ज्यादा नक्सली कोरोना से संक्रमित, इसमें छोटे और बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 दिन के अंदर 10 नक्सलियों की मौत हो गई है और इनकी मौत की पुष्टि दंतेवाड़ा एसपी ने की है। दंतेवाड़ा एसपी ने इनकी नक्सलियों की मौत का दावा किया है। तो दंतेवाड़ा से ये खबर इस वक्त की मिल रही है, 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत की खबर। हालांकि कोरोना और फूड पॉइजनिंग भी इसका कारण बताया जा रहा है। 2 से 3 दिन के अंदर 10 नक्सलियों की मौत हो गई, जिसका दावा दंतेवाड़ा एसपी की तरफ से किया गया है, नक्सलियों की मौत का दावा। वहीं दक्षिण बस्तर के जंगलों तक कोरोना पहुंच गया है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसकी जद में अब नक्सली भी आ गए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता प्रशांत गजवीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस खबर से संबंधित? 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत की खबर भी है, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा नक्सली ऐसे हैं जो कोरोना की जद में अब आ चुके हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगभग बीते 3-4 दिनों से अंदरूनी इलाकों से खबर आ रही थी और पुलिस का दावा भी था कि नक्सलियों पर जो है कोरोना का संक्रमण फैल चुका है और कई नक्सली जो है इसके चपेट में आए हैं और कईयों की हालत भी गंभीर है, जिसको देखते हुए अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग भी बढ़ाई गई थी। और जब पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज जो खबर आ रही है, और इस पे खुद दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने भी दावा किया है कि 10 नक्सलियों की मौत हो चुकी है कोरोना और फूड पॉइजनिंग की वजह से, साथ ही साथ 100 से अधिक नक्सली जो है कोरोना के चपेट में आ चुके हैं, साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से सभी सीमाई क्षेत्र को सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस लगातार जो है इलाकों की सर्चिंग कर रही है। इसकी वजह से नक्सलियों का जो फूड चेन है वो टूट चुका है, उनके पास रसद नहीं पहुंच पा रहा है और जो आंध्र स्ट्रेन है और आंध्रा से लगा हुआ जो इलाका है वहां से नक्सली हमेशा जो है सीमा पार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से जो है ये नक्सलियों को ये कोरोना की चपेट में आए होंगे, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। जिसको देखते हुए आज 10 नक्सलियों के मारे जाने का दावा जो है दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने किया। और सबसे गंभीर विषय इसमें एक बात यह है सोचने की कि अगर अंदरूनी इलाकों में ये कोरोना फैल चुका है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इससे ज्यादा जो है प्रभावित होंगे और नक्सली जिस तरीके से अगर मर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति में पहुंच जा रहे हैं नक्सली और उसके बाद उनकी मौत हो रही है, तो ऐसे स्थिति में अगर ग्रामीण संपर्क में आते हैं उनके, जो हमेशा से नक्सलियों के संपर्क में रहते रहे, क्योंकि नक्सली लगातार उन इलाकों में ही रहते हैं जहां पर उनको रसद और सारी चीजें मिल सके और वो गांव के आसपास ही रहते हैं और उन गांव में जो ग्रामीण रह रहे हैं उनके लिए अब एक बड़ी चिंता है। प्रशांत, ये गंभीर बात भी है, इसके साथ ही बेहद चिंताजनक भी है कि अगर ग्रामीणों तक
कोरोना संक्रमण पहुंच गया है नक्सलियों के थ्रू। तो फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन दंतेवाड़ा से ये खबर आपको एक बार फिर से बता दें, 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत की खबर है। कारण कोरोना और फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। लेकिन दक्षिण बस्तर के जंगलों में अब कोरोना पहुंच गया है, जिसकी जद में 100 से ज्यादा नक्सली आ चुके हैं।